नमस्कार, मैं हूं वंदा शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। भारत से कंज्यूमर खर्च लगातार घट रहा है और इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था की रिकवरी से है। अनलॉक के पहले चरण में अर्थव्यवस्था खुल रही है, बाजार खुल रहे हैं, मगर बाजार से खरीदार गायब है। भारत भले ही लंबे लॉकडाउन से बाहर आ रहा है, लेकिन इसने बड़ी चोट पहुंचाई है। लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, घर का खर्च चलाना कठिन साबित हो रहा है, बैंक कर्ज देने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की 60% अर्थव्यवस्था खपत पर आधारित है, मगर कोरोना वायरस की महामारी का असर खपत में गिरावट के रूप में देखने को मिला है और ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता दिख रहा है। अनुमान है कि बीते 4.5 दशक में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था का आकार घटने वाला है। बात की जाए एक्सपर्ट्स की तो जाने माने अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि मांग में सुधार की उम्मीद काफी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि कंज्यूमर सेंटीमेंट यानी कमजोर है। सरकार खर्च में कटौती करने वाली है ताकि कम टैक्स की भरपाई की जा सके। कंपनियां भी निवेश और पूंजीगत खर्चों में कटौती करने वाली है। वहीं शॉपिंग डेटा एजेंसी शॉपर ट्रैक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में रिटेल स्टोर में जाने वाले ग्राहक की संख्या में भी बड़ी गिरावट आई है। माह दर माह की तुलना में इनकी संख्या 30% कम हुई है, क्योंकि अप्रैल में देशव्यापी लॉकडाउन था, इसलिए उस वक्त ग्राहकों की संख्या 90% तक घटी थी। भारतीय रिजर्व बैंक से मिले आंकड़ों के अनुसार मार्च के महीने में भारत में क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन देन में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लॉकडाउन मार्च के आखिरी सप्ताह में लागू हुआ था, मगर कार्ड के जरिए खर्च काफी समय से ठंडा पड़ा था। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर्स अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए भी कम खर्च कर रहे हैं। मार्च महीने में कार्ड के जरिए कुल खर्च 50,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जबकि एक महीने पहले ये 62,500 करोड़ रुपए था। वहीं रिजर्व बैंक के आंकड़े गवाही देते हैं कि मौजूदा हालात के मद्देनजर ग्राहकों का भरोसा मई के महीने में बुरी तरह टूटा है और इसके सूचकांक पर 100 का स्तर आशावाद और निराशावाद का विभाजन करता रहता है। भविष्य में खर्च की राह बहुत उत्साहजनक नहीं लगती है। हालिया कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे के अनुसार भारतीय ग्राहक अगले एक साल के लिए अपने खर्च को लेकर घोर निराशावादी हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।